आदाब, बिजनौर खबर में आपका स्वागत है। देखिए आज की खास रिपोर्ट। आदाब, बिजनौर खबर में आपका स्वागत है। 6 दिन पूर्व एक वीडियो वायरल का सच दिखाएंगे हम। बिजनौर शहर में केले पर पेशाब छिड़कने वाली एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से हुई वायरल, जिससे शहर की फिजा खराब करने का प्रयास किया गया था। जब हम इस वीडियो की तह तक गए तो पता लगा कि 70 वर्षीय विरद इरफान बहुत ही गरीब परिवार का व्यक्ति है, जो दो वक्त की रोटी के लिए अपना शहर शेरकोट छोड़कर बिजनौर शहर में किराए पर रहकर फलों का ठेला लगाता है। लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने उस वृद्ध पर पेशाब छिड़क कर केले बेचने का आरोप लगाकर शहर की फिजा खराब करने का प्रयास किया था, जिस पर पुलिस ने आनन फानन में कार्रवाई करते हुए वृद्ध के खिलाफ गंदा पानी छिड़कने का मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई थी। वहीं वृद्ध के परिजनों का कहना है कि उन पर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं। घर में केवल वही कमाने वाले हैं, जो दिन भर कमा कर लाते हैं उसी से घर की गुजर बसर होती है। पीड़ित की पत्नी ने बताया कि जो वे फल वह शहर में बेचते हैं, उन फलों को परिवार के लोग भी खाते हैं। वहीं पड़ोसियों का कहना है कि इरफान बहुत ही मिलनसार व्यक्ति है। वह हिंदू मुस्लिम धर्मों को दूर रख रास्ते में मिलने वाले सभी लोगों से दुआ सलाम रखता है। उन पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। पुलिस जांच कर रही है, जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। वहीं लोगों ने झूठी वीडियो वायरल कर शहर की फिजा खराब करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। आरोप लगाया गया है कि बड़ा आदमी केले के ऊपर यूरिन छिड़क कर बेच रहा है, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा है। क्या पूरा मामला है और कौन आदमी है, किस धारा में मुकदमा लिखा गया? दिनांक 21/4/2020 को एक व्यक्ति ने सूचना दी, तहरीर दी थाने में कि दिनांक 20 तारीख को एक व्यक्ति जो फल बेच रहा था, उसने जो है टॉयलेट की और बिना हाथ धोए उसी टॉयलेट के पानी से छिड़काव किया। उस संबंध में हम लोगों ने तत्काल मुकदमा अपराध संख्या 206/20 धारा 269/73 एपिडेमिक एक्ट का दर्ज किया, जिसकी विवेचना चल रही है। ये पता लगता है ये व्यक्ति कौन है, कहां का रहने वाला है? इस संबंध में थाना पुलिस द्वारा विवेचक द्वारा जांच की जा रही है, जैसी जो जब्त कराया। थैंक यू। अनीसा, ये जो आपके शोहर के साथ या आपके हस्बैंड के साथ मामला हुआ है, क्या है पूरा मामला? बस मामला क्या है, बस केला बेचना चाहते ही जी। अब केला बेच के वो 2-1 दर्जन केला बचा था जी। वो केला मतलब इधर को आ गए होंगे हिंदुओं के मोहल्ले में जी। वहाँ उन्होंने मतलब पेशाब करा कहीं गलियारे में जी। पेशाब करके उन्होंने हाथ धो लिए जी। उन्होंने बस ये बता दिया वहाँ पे, उन्होंने पेशाब की मतलब बोतल छीन ली। अच्छा, ये जो मामला है ये क्या लगता है आपको, इसमें कितनी सच्चाई है? कितनी सच्चाई है? सब ये गलत है। हमारा आदमी बिल्कुल कम सुने हैं वे, और ना उनसे बात हो गए, बात कहीं की कहीं को कहे हैं वो। उन्होंने आदमियों ने 2-4 ने उनको घेर लिया। अब जब वे निकलना चाह रहे थे तो उन्होंने वो कह दिया और यहीं खड़ा रहो, कहीं चलियो मत, यहीं खड़े रहो, नहीं मतलब बिजनौर के हालात खराब हो जाएगी और मामला खराब हो जाएगा। इन्होंने ये बात कही तो वो घबरा रहे थे, और उन्होंने बस जो भी कुछ कहा होगा उन्होंने मतलब घबरा कर उनके डंडा भी मारा है। अच्छा, अब डंडा मार के उन्होंने कहा बस मुझे जाने दो, ठेले जैसे लेके जा रहे थे तो उनको घुड़की से मैं उठाया गया, खड़ा करा गया। अब आप क्या चाहते हो? अब हम तो ये चाहते हैं, देखो अब हमारा आदमी एक बहुत बुढ़े आएंगे, हमारी आंखों से भी नहीं दिखता, बस मजदूरी करके वो अपना पेट भर रहा था हमारा भी जी जी। और हम ये चाह रहे हैं बस ये बात हमारी ये ना हो। अच्छा, क्या आपको इसमें कुछ कहाँ तक क्या लग रहा है कुछ, आपको जो अफवाह उड़ाई जा रही है गलत उड़ाई जा रही है? सब गलत है। अच्छा, हमारा आदमी तो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। हम तो देखो मुसलमान है, हमें ऐसे कैसे करेंगे, हम दिखाते हैं वो काम माल जो बिकता है वो तो हम भी खाते हैं, अपना ईमान खोलेगा हम। यो तो एक गलत बात है इन्होंने बिल्कुल लगाई है। अब उन्हें कहाँ लेके गए, कहाँ है अभी? मतलब अब तो वहाँ लेकर गए, ये मेल झोल में वहाँ चार क्वारंटाइन के लिए ले गए, वहाँ चेक करवाने के लिए लगा था चेकअप। कई दिन के लिए ले गए हैं? 3 दिन को गया हमसे तो, 3 दिन को जी। जावेद भाई, आपके मोहल्ले में एक ठेला वाला का वीडियो वायरल हुआ है, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, वीडियो वायरल जो किया गया है वो सिर्फ उसको कहते हुए किया गया, उसने एक इस्तंजे की बोतल लेकर के इस्तंजा किया था जी। और
ना कि उसमें कोई मूत्रदान किया था ना इस तरह से कोई छिड़काव किया था जी, बल्कि उसने पानी का ही छिड़काव किया था जो लोगों से सुनने में आया, लोगों से हमने जानकारी दी है जी जी। इस तरह की अफवाह फैला करके किसी एक पक्ष को, किसी एक समुदाय को टारगेट करना ये बहुत गलत बात है, इसकी पूरी तरीके से गहनता से छानबीन होनी चाहिए जी। मैं सभी पत्रकार बंधुओं से और सभी प्रशासन से मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि इसकी गहनता से जाँच करें और उसके बाद में कोई कार्रवाई करें। और मुझे उम्मीद है जिला प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, मुझे उम्मीद है कि निष्पक्ष इसकी जांच होगी, निष्पक्ष की कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, आप अपने माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये संदेश देना चाहता हूँ सभी देशवासियों को कि हमारे देश में एक नफरत का माहौल जो बनाया जा रहा है किसी एक पार्टी की तरफ से, किसी एक राजनीतिक दल की तरफ से, उसके षड्यंत्र में जो है ना फंसे और सभी देशवासियों से हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम करने की मैं पुरजोर अपील करता हूँ, सभी लोगों से कहता हूँ कि हमारा देश हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और इसको बना करके रखे और हिंदू मुस्लिम सद्भाव कायम रखे।